काम होगी, संस्था देगी। अपना काम कर रही है सरकार, अपना काम कर रही है संस्था, हमारी अपना काम कर रही है, तो हम ज्यादा नहीं कहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर। मतलब दोस्तों सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है और क्या कारण है। सबसे मुद्दा मेन मुद्दा यही है कि सबके मन में यही सवाल है कि सर सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे कि शुरू में आप लोग एक छोटा सा क्लिप देख चुके होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो कौन है। तो सहारा के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि पैसा देने के लिए दोस्तों जब भी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आनाकानी होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। सहारा इंडिया के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि सहारा इंडिया के अंदर काम करते हैं, लेकिन दोस्तों इनके जो बातों को जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि पैसा जो इन्हीं लोगों के कारण नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग चाहते हैं, ये लोग जैसे कि हमें लोगों से बात किया वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो कहीं ना कहीं ये जो चाहते हैं कि मतलब कि सहारा के जितनी प्रबंधक पार्टियाँ हैं, जैसे कि दोस्तों संगठन पार्टियाँ हैं जो लोग लड़ रहे हैं, आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं या साइकिल इंडिया जन आंदोलन के हिसाब से लड़ रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनके बात मैं बोलूँगा तो गलत ही बात बोल रहे हैं। क्योंकि सहारा इंडिया के अंदर जब पैसा फंसा हुआ है आप बोल रहे हैं देने के लिए, तो दोस्तों बताइए कि आप कब देंगे, क्यों नहीं मिल पा रहा है आपके हिसाब से। अगर चले सब लोग, सभी निवेशक आपके हिसाब से चले तो पैसा दीजिए सबका। ऐसे बहुत सारे जो बात है ये बात कहे हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में, अगर दोस्तों आप लोग एक साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों को डाउन किया जाएगा और कहीं ना कहीं सारा इंडिया के पैसों के लिए फिर से दोबारा लड़ा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाकर फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते तो नीचे देख कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर दोस्तों बोलूँगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे टारगेट रखूंगा कि जितना वीडियो का आप लोग देखेंगे उतना लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। कहें क्योंकि अगर आप लोग नहीं एकता होकर खड़ा होंगे, अगर एकजुट होकर नहीं खड़ा होंगे तो हम लोग जैसे यूट्यूबर कभी भी इन लोग से नहीं लड़ पाएंगे। मतलब दोस्तों कहने का मतलब देखिए, हम इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात किए हैं तो कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं तो हम इनको गलती ठहरा रहा हूँ। आप लोग भी सुन के बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी के अभिभावक जो आजीवन शिक्षा दीक्षा देते रहे और बहुत अच्छी शिक्षा भी दी, फिर भी हम लोग विचलित हो जाते। थोड़ी सी बातें कहीं उठती है और हम लोग विचलित हो जाते। हमारे अभिभावक बताए थे कि जिनके आधार, जिस भवन के आधार मजबूत होते हैं, तो भवन आंधी तूफानों में धराशायी नहीं होते। वृक्ष जिनके आधार है, जड़ें मजबूत होती हैं, वे धराशायी नहीं होते। और हम लोग जो है उनसे शिक्षा लिए लेकिन अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर, हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाए। थोड़े से कष्ट, समस्याएं कहीं से सुन लेते हैं, विचलित हो जाते हैं। यदि हम अपनी स्थिति को मजबूत रखें, जो कि सहारा से भी हमारे अभिभावक शिक्षा दीक्षा दिए हैं, तो हम अपनी जड़े शिक्षा जो लिए उस शिक्षा जड़े हम लोग मजबूत हैं। यदि हम लोग रखें तो हम विचलित नहीं होकर मानसिक संतुलन नहीं खो सकेंगे। कहा गया है कि जब दीप बुझता है तो बुझने के थोड़ा पल पहले उसके लौ तेज हो जाते। ये प्रकृति का नियम है कि दीप जब बुझता है तो लौ जो है से थोड़ा तेज हो जाता है। वही स्थिति है, यह शुभ संकेत है कि अब हमारी समस्याएं सब दूर होने वाली है, जो कि हमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहेगी। सभी समस्याएं दूर होगी जिस ढंग से दीपक इस समय, वही अंतिम समय में जितनी भी सहारा की समस्याएं हैं, जो कि लोग समझ रहे हैं, हम लोगों को समस्या नहीं समझनी चाहिए। वो अपना काम कर रहा है, प्रबंधक हमारा अपना काम कर रहा है, ईडी का अपना काम है, इनकम टैक्स का अपना काम है, सीबीआई का अपना काम है, वो अपना काम कर रहा है। हम उससे विचलित क्यों? हमें विचलित नहीं होना चाहिए। आज हम लोग उसी कड़ी में, 216वां एपिसोड में उपस्थित हुए हैं। भय भ्रम भ्रांति को दूर करने के लिए जो लगातार ज्ञानदान परिवार आज 4 साल से दूर करते आ रहे, फिर थोड़ी सी थोड़ा सा मैसेज आया और हम लोग विचलित हो गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी मानसिक रूप से कमजोर है। हम लोग तो आर्थिक रूप से कमजोर हुए थे,
शारीरिक रूप से कमजोर हुए थे, लेकिन अभी हम लोग मानसिक कमजोरी नहीं लाना चाहिए। अब इसी के क्रम में आज तक ज्ञान दान परिवार जो है से लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं तो सकारात्मक बने रहे। देखिए जो बाहर का सुनता है बिखर जाता है, जो अंदर का सुनता है वो निखर जाता है। अंदर यानी अपने दिल के सुनिए और अंदर यानी अपने परिवार की सुनिए, क्योंकि हम लोग सहारा इंडिया परिवार के एक एक सदस्य हैं, तो हम परिवार के सदस्यों की बात क्यों न सुने, हम परिवार के सदस्यों की बात क्यों न माने। यदि हम इनको मानते हैं तो हम बने रहेंगे, हम सकारात्मक रहेंगे, हमारी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। यदि हम नकारात्मक हो ही जाते हैं तो उनसे क्या बिगड़ जाता है, क्या पेमेंट होना शुरू हो जाएगा क्या? हम सकारात्मक रहेंगे तो आज नहीं कल संस्था आएगी और हम दुगने उत्साह से, कई गुने उत्साह से हम अपने कनिष्ठों के साथ बैठेंगे और पुनः काम करवाना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमें नकारात्मक होने में कोई भलाई नहीं है, और जो हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे हाथ के बस की बात नहीं है, उसके लिए चिंता हम क्यों करें? हम प्रबंधक पर ही क्यों ना छोड़े? प्रबंधक हमारा बैठा हुआ नहीं है, प्रबंधक हमारा काम कर रहा है। जैसे ही शुभ घड़ी आएगी, शुभ संकेत आएगा, काम करने का समय आएगा, प्रबंधक हमें सूचना देगी। लेकिन हम तो बाहर से सूचना बटोरते हैं और जो है से भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अब क्या होगा, बहुत से ऐसे देखे जो पेपर में दिया 2 लाख 2.98 करोड़, एक दो मित्र हमको कहने लगेगा अब तो ईडी का छापा पड़ने लगा, इतना पैसा पकड़ा गया। हम कहेंगे महोदय कभी आपने प्रस्तुति देखा है का, उनको भीरू बनाना है या किसी पत्रकार का प्रस्तुति देखा है? वैसे बात करते हैं जैसे छोटा सा बात हो बहुत बड़ा चढ़ा करके कहते हैं। आपने तो सुन लिया कि 2.98 करोड़ पकड़ा गया, लेकिन मैं कहता हूं कि कौन सी राशि है पूरे देश की संसद को चलाने के लिए हेडक्वार्टर है, उसमें 2.98 करोड़ कौन सा मामला, कौन सा पैसा है? अरे तो खर्च भी नहीं चल पाएगा उससे साल भर, और उस पर यूट्यूबर लगता है इतना बड़ा रकम पकड़ा गया और लोग विचलित हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाते कि जितनी बड़ी संस्था है पूरे देश के संभाले हुए और अपने ऑफिस खर्च के लिए दे रखा भी है तो कौन बड़ी रकम है। छोटा छोटा खर्च करता है क्या 20 लाख 50 लाख सहारा में इन्वेस्ट है कि नहीं, 10-20 बरस काम कर लिया सर, तो कौन सी बड़ी रकम। तो हमें कहीं भी ऐसे सूचनाओं से जो बाहर की सूचना है हमको सुन के दिग्भ्रमित नहीं होना है, निगेटिव नहीं होना है। हम अपने परिवार की बात सुने, आज तक हम परिवार की बात सुनते आए हैं और उसमें भलाई है, तो हम क्यों ना भविष्य में भी परिवार की बात सुनते हैं। जो होगा प्रबंधक हमें सूचना देगी, हम उनके सूचना को के इंतजार में रहेंगे, यही तो धैर्य है। इस धैर्य की परीक्षा कब होती है? विपत्ति की घड़ी में ही तो होती है कि आप कितने धैर्यवान हैं। तो किसी न किसी रूप में हमें बना रहना है सकारात्मक, और अपने कनिष्ठों को, अपने साथियों को, या कस्टमर भी आपसे बातें करता है या पूछता है तो उन्हें अवश्य कहिए कि भुगतान होगी, संस्था देगी, अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, संस्था हमारी अपना काम कर रही है। तो हम ज्यादा नहीं कहते हैं, यही कहेंगे कि हम लोग सकारात्मक बने रहें और हमेशा ज्ञानदान परिवार से जुड़े, जुड़ करके इनसे कुछ लेते रहें। हर चीज के लिए भोजन चाहिए, शरीर को बचाने के लिए भोजन करते हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन करते हैं। उसी प्रकार हम सकारात्मक बने रहें तो हम कहीं ना कहीं मोटिवेशन को सुने, हम कहीं ना कहीं इसके लिए एनर्जी ले ताकि हम सकारात्मक बने रहें। तो कैसे बने रहेंगे? ज्ञानदान परिवार के जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी मीडिया है, उससे जुड़े रहें, तभी ना हम सकारात्मक एनर्जी लेते पाएंगे, लेते रहेंगे और सकारात्मक बने रहेंगे। और यदि हम इससे डिस्कनेक्ट होते हैं तो निगेटिविटी तो हावी होगी और उसको कोई रोकने वाला भी नहीं। तो हम ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम सभी बंधुओं को जो सहारा से जुड़े हुए हैं। जियो सहारा,
जो जो जियो सहारा, एक ही नारा जय। अब जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में सुन रहे थे जो कि सहारा इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग को नहीं लगता है कि सहारा इंडिया का पैसा इनके कहने पे मिल जाएगा। मतलब दोस्तों कहने का मतलब यही है कि दोस्तों जैसे इन लोगों के जैसे जो लोग बैठे हुए हैं, तो कहने के जो 2.91 करोड़ रुपया मिला अगर एक आदमी को मिलता है दोस्तों, सबके ऊपर ईडी का जब छापा लगेगा तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं इनके पास पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो ये बता रहे हैं कि सहारा परिवार के साथ में रहिए और आपको पूरी तरफ सहायता की जाएगी और आपका जो भी सहारा इंडिया का पैसा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये कन्फर्म नहीं बता रहे हैं कि वो कब तक मिलेगा, क्या कारण है, ऐसा कोई भी बात ये अपने वीडियो के अंदर नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि YouTube के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आता पहुंच सके। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।